मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में जो कि है हाउ टू स्टार्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, गौरव दलहिराव मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर है 9906942300, एक व्हाट्सएप नंबर है और मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट यहाँ दी हुई है। ये वीडियो किसी भी तरीके के एडवर्टीजमेंट नहीं है और सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो है। तो यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपने खुद का आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, तो ये वीडियो दोस्तों ध्यान से देखिए, शुरुआत से एंड तक बहुत सारी चीजें आपके मतलब की मिलेंगी। अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप आर्टिस्ट में या आर्ट्स में या क्राफ्ट में या हैंडीक्राफ्ट में या किसी भी आइटम में नजर रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अब ये वीडियो में क्या क्या वैल्यू एडिशन और क्या क्या चीजें हैं, इस वीडियो के एंड पे हम एक केस स्टडी देंगे, जिस केस स्टडी को समझने के बाद, पढ़ने के बाद आप अच्छी तरीके से अपने आर्ट्स और क्राफ्ट के बिजनेस को कर पाएंगे। अगर आपके मन में या आपके दिल में कोई ऐसा रुझान है कि आप ये बिजनेस करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए दोस्तों, ये वीडियो किनके लिए जानते हैं। जो लोग अपना आर्ट एसएल शुरू करना चाहते हैं, आर्ट सप्लाई स्टोर शुरू करना चाहते हैं, आर्ट गैलरी स्टोर शुरू करना चाहते हैं, आर्टिस्ट एजेंट हैं, आर्ट्स और क्राफ्ट इंस्ट्रक्शन हाउस चलाना चाहते हैं, आर्ट ऑक्शंस करना चाहते हैं या आर्ट ऑक्शंस में भागीदारी करना चाहते हैं, पेंटिंग्स खुद की बनाते हैं या पेंटिंग्स बनवाते हैं या पेंटिंग्स ट्रेडिंग में काम करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। आर्ट एंड क्राफ्ट बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल पॉइंट से, तो ये उनके लिए। इंडियन आर्ट केयर के प्रति अगर आप सकारात्मक हैं या आपका कोई मन है या पॉजिटिव वाइब्स हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। बैम्बू क्राफ्ट बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं और बैम्बू से रिलेटेड किसी भी आर्ट और क्राफ्ट के आइटम के बिजनेस में आप कूदना चाहते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। ब्रास वेयर में अगर आप कूदना चाहते हैं किसी भी तरीके से, आर्ट्स और क्राफ्ट में चिकन करी जो होती है लखनऊ की कपड़ों के ऊपर, उसके ऊपर क्रोशेट आर्ट्स में या डोकरा आर्ट्स में या डोर गार्लैंड में, एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स में, एनामल हैंडीक्राफ्ट में, ग्लास हैंडीक्राफ्ट में, हैंड पेंटेड कैजुअल्स में, ज्वेलरी जो होती है हैंडमेड उसमें या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जो हैंडमेड है, हैंडमेड बैग्स में, ग्लास हैंडीक्राफ्ट में, वुड हैंडीक्राफ्ट में, सेल्फ हैंडीक्राफ्ट में, तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों। ये वीडियो सिर्फ मैंने आपको बड़ी ही मेहनत के साथ बनाई है और अगर आप अपना क्राफ्ट और आर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं किसी भी फॉर्म में जो मैंने आपको अभी बताया, तो ये वीडियो में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो शुरू से लेकर एंड तक आपको बहुत मदद देने वाली है, आपके बिजनेस को ये एक नई बुलंदी तक ले जाएंगी। तो शुरुआत में देखी जाए तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट मार्केट इंडस्ट्री साइज क्या है इंडिया में। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है बहुत ही बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अकाउंट करती है कंट्री को एक्सपोर्ट्स करने में। तो इंडिया की जो जीडीपी है वो मेनली इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा सेगमेंटेड है और देखा जाए तो बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट है। एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा आर्ट्स और क्राफ्ट्स में ही होते हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो फ्रेगमेंटेड है और ऑर्गेनाइज नहीं है, देखा जाए तो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। और $7 बिलियन रीजनल आर्टिशंस हैं हमारे इंडिया में, $7 बिलियन के रीजनल आर्टिसंस हैं, मतलब एक तरीके से आइटम्स की कैटेगरीज हैं। वी हैव मोर देन 67,000 एक्सपोर्टर्स प्रमोटिंग रीजनल आर्ट एंड क्राफ्टमैनशिप फ्रॉम इंडिया। तो देखा जाए तो 67,000 तरीके के एक्सपोर्टर्स हैं हमारे पास। अब अगर आप शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का आर्ट और क्राफ्ट का बिजनेस, तो आइए पहले जानते हैं सबसे पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कैसे लीगलाइज करें अपने स्टार्ट करके अपने आर्ट्स और क्राफ्ट बिजनेस को। तो पहला स्टेप है अपनी एंटिटी का स्ट्रक्चर चूज कर लें, या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो LLP और OPC। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको दिया था शुरुआत में और एंड में भी दूंगा। आप ट्रेडमार्क जरूर रजिस्टर कराएं अपने ब्रांड को एक कॉम्पिटिशन से अलग करने के लिए और दिखाने के लिए कि आपका आर्ट्स और क्राफ्ट बिजनेस बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेडमार्क है और रजिस्टर्ड है। उसके अलावा GST नंबर जरूर लें अपने बिजनेस को, अगर लीगली आप करना चाहते हैं तो GST नंबर लेना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है आप लोगों के लिए। बिजनेस लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस जरूर लें अगर आप कमर्शियलाइज करना चाहते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को और राइटली उसे एक अच्छी फनल में एक अच्छी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ा के बिजनेस को एक्सपेंड कराना चाहते हैं, तो ये लाइसेंस बहुत ज्यादा मैंडेटरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जरूर लें और बहुत
ज्यादा जरूरी है अगर आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से काम कर रहे हैं या कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो। ट्रेड लाइसेंस कई स्टेट्स में जरूरी है और बिजनेस रीजन करने के लिए या बिजनेस को एक रीजन से आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड लाइसेंस जरूर लें। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डील करना चाहते हैं आर्ट्स और क्राफ्ट के, तो आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड के लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी। कस्टम लाइसेंस फिर दोबारा जरूरत पड़ेगी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे उनके लिए, और एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी है आर्ट्स एंड क्राफ्ट के रजिस्ट्रेशन को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आइए जानते हैं कि क्या क्या स्टेप्स जरूरी हैं अगर आप आर्ट्स और क्राफ्ट के बिजनेस में कूदते हैं। तो पहला है प्रॉपर परमिट्स, मैंने बता दिया आपको, लीगलाइज करें और सारे रजिस्ट्रेशन पहले ले लें। सेटअप करें एक परचेजिंग लाइन कि हाँ जी ये आपका बजट है और इसी बजट में आपको चलना है, यही रॉ मटेरियल्स खरीदने हैं, यही आपको फाइनल प्रोडक्ट्स में डेवलप करना है। प्रॉपर बुककीपिंग रखें अपनी कि हाँ जी कितना मेरे पास फंड बचा है, कितना मैंने यूटिलाइज कर लिया है आर्ट्स और क्राफ्ट के रॉ मटेरियल से लेके फाइनल लाइन तक। क्विट ना करें अपनी जॉब जब तक जरूरत ना हो, तब तक बिल्ड करें कि ऐसी इन्वेंट्री लाइन के जो खत्म ना हो और आपके पास इतनी इन्वेंट्री हो आर्ट्स की कि आप आराम से अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर दें और उसके बाद भी आपके पास प्रोडक्ट बचे तो आप उसको फ्यूचर में यूटिलाइज कर पाए। एक बहुत ही अच्छा चीज आई थी, मूवी चलाने के लिए चाहिए होता है एंटरटेनमेंट, बट यदि आप आर्ट्स और क्राफ्ट के बिजनेस में हैं दोस्तों, तो आपको चाहिए नेटवर्क अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए और अपने आर्ट के प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मार्केट जरूर ढूंढें और नीच मार्केट होनी चाहिए, अलग अलग चीजों की अलग अलग मार्केट। अब अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं आपका बिजनेस का बिल्कुल स्क्रैच से, तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले तो थिंक अबाउट व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ए क्राफ्ट बिजनेस। यदि आपको ये नहीं पता कि आपका पर्पस क्या है, मनी या फेम या एक अच्छा एक्सपोजर या लव और पैशन टूवर्ड्स क्राफ्ट बिजनेस, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस बिजनेस में। गुड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूर लें और बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के इस फील्ड में कूदने की कोशिश ना करें। आर्ट स्कूल में भी जाएं अगर आप अपनी क्राफ्ट मेकिंग स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं और एक आर्टिस्ट हैं, तो आप आर्ट स्कूल में को जरूर ज्वाइन करें। सेलेक्ट कर लें बिजनेस एंटिटी, मैंने कहा रजिस्टर करें, सारे लाइसेंस पहले लें और उसके बाद बिजनेस शुरू करें। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं पहले बिजनेस सेटअप कर लेता हूं फिर उसके बाद ले लूंगा, बट इस चीज में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है दोस्तों। आइडेंटिफाई कर लें आपका कस्टमर बेस क्या है और आप किन्हें बेचना चाहते हैं, बिजनेस को बेचना चाहते हैं बी टू बी लाइन में रहना चाहते हैं या बी टू सी में रहना चाहते हैं या दोनों को बेचना चाहते हैं। चेकआउट कर लें कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज्यादा है तो कोशिश करें नीच सेगमेंट पकड़ें और उस कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करें। वेंडर चूज करें जहां से आप रॉ मटेरियल या अपने आर्ट क्राफ्ट का मेनली सेमी क्वालिफाइड प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट लेने वाले हैं, और वेंडर बहुत सोच समझ के चूज करें जो कि आपको किफायती दरों पे बहुत अच्छा माल दे दें। सेटअप कर लें एक वर्क स्पेस जहां पे आप अपने गोडाउन और आप अपनी फैक्ट्री को तैयार करें, जहां से आप अपने फाइनल प्रोडक्ट को निकाले पैक करके अपने ब्रांड के तहत। बिजनेस प्लान जरूर बनाए, बिना बिजनेस प्लान के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकता है आर्ट और क्राफ्ट का या न चलता है। अगर ग्रो करना चाहते हैं आप आर्ट्स एंड क्राफ्ट बिजनेस का, आपने खोल लिया है और वो चल नहीं रहा है, उसके लिए भी मेरे पास सॉल्यूशंस हैं, तो एक वेबसाइट जरूर बनाएं और उसके थ्रू सेलिंग करने की कोशिश करें। कोशिश करें आर्ट्स और क्राफ्ट की ब्लॉगिंग करें, उसके बारे में ब्लॉग पोस्ट लिखें, स्टार्ट करें डिजिटल एडवर्टाइजिंग फेसबुक की अपने आर्ट्स और क्राफ्ट बिजनेस को लेकर, और टोटली सेगमेंटेड बेस यूजर बेस को फोकस करके उनके ऊपर एड्स डालें जो कि आर्ट्स और क्राफ्ट में एक रुझान रखते हैं। क्रिएट कर लें क्राफ्टिंग ट्यूटोरियल्स और हेल्पफुल हाउ टू कंटेंट्स में और उसे मार्केट में सेगमेंट करें। बिल्ड करें एक फॉलोइंग इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे और उसकी फोटोज डालते रहें। मास्टर कर लें आर्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग और उस ईमेल मार्केटिंग को ड्रिप कैंपेन से यूज करें और चलाते रहें आर्ट्स और क्राफ्ट में। सेटअप कर लें गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल और उसे यूज करें टोटली बहुत ही अच्छे सेगमेंटेड वेज में। एड शेड्यूलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है और टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा किफायती और बहुत ही ज्यादा अच्छी सुटेबल साबित होगी अगर आप आर्ट्स और क्राफ्ट के बिजनेस में हैं तो। क्रिएटिव एंड कोलेटरल अप्रोच रखें, रन करें कॉन्टेस्ट और गिव अवेज रेगुलर बेसिस पे और इसे बहुत ज्यादा प्रचलित करें। लास्ट है सबमिट करें प्रेस रिलीज और फोटोज जो नए प्रोडक्ट्स की आप अपनी मैगजीन्स में या अपने जान पहचान के। आइए एक केस स्टडी मैंने सोच के रखी हुई है, ये दो ऐसे इंडियन आर्ट स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर लिया अपना बिजनेस। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा, कुछ ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल मेरे पास है। तो पहला है ये हैंडीकार्ट नाम का एक वेबसाइट है जिसमें क्राफ्ट्स बहुत ही तरीके की डिफरेंट तरीके की क्राफ्ट्स के आइटम है, होम डेकोर के आइटम है, ज्वेलरी है जो कि आर्ट्स और क्राफ्ट से रिलेटेड है, प्रोडक्ट्स देखो अगर प्रोडक्ट्स देखोगे आप
एनॉर्मस क्वांटिटी है, हैंडलूम से रिलेटेड सब कुछ है, मीडिया कवरेज वगैरह, मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके थ्रू उन्होंने अपने आर्ट और क्राफ्ट को जोड़ लिया है और उसी के थ्रू उस आर्ट और क्राफ्ट को टोटल डिफरेंट कंट्रीज में सेगमेंट करके ले जा रहे हैं। तो यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 9906942300। आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करें 9906942300। मेरी ईमेल आईडी है gauravdelhirav@gmail.com और मेरी वेबसाइट है सिर्फ www.csgauravsharma.com। दोस्तों इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें और उसके बगल में जो बेल का बटन है उसको जरूर दबाएं।